हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का जो 3 नया अपडेट है वो क्या आया है और उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है और उससे क्या हमें कुछ होगा, उसका हम आज वीडियो में ये जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, लेट्स गो। तो गाइज, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि व्हाट्सएप का 3 नया अपडेट क्या आया है, ठीक है, और क्या यूज है उसका। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों, फर्स्ट अपडेट ये है कि मान लीजिए मुझे इमोजी भेजना है किसी के पास, या फिर किसी के पास फ़ोटो भेजना है। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, मैं क्रोम से फ़ोटो भेजने का तरीका सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको सर्च कर लेना है बॉयज, किसी का भी फ़ोटो आप सर्च कर लीजिए और यहाँ पे इमेज पे जाइए। और इमेज पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कोई फ़ोटो मुझे सेंड करना है, तो मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो अच्छा लगा, तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी इमेज का ऑप्शन जो दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ से जादू देखिए क्या है और कैसे इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है। तो अब यहाँ से मान लीजिए मुझे किसी फ्रेंड के पास भेजना है, तो ये मेरा फ्रेंड का अकाउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों, भेजने के बाद अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे इमेज अब भेजना है जो मैं कॉपी किया। तो नीचे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों जो मेरा इमेज है वो आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इमेज को, ठीक है। ये रहा, पेस्ट करने को दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके इमेज को सेंड कर सकते हैं किसी के पास, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट अपडेट ये रहा दोस्तों। अब दूसरा अपडेट ये है कि आप व्हाट्सएप पे किसी को इमोजी कैसे भेज सकते हैं बिना वो किए, ठीक है, नया अपडेट आया। तो गाइस, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप में आ जाना है फिर से। और यहाँ पे दोस्तों, आने के बाद आपको मान लीजिए इमोजी भेजना है, तो सिंपली मैसेज वाले इमोजी पे मान लीजिए मैं इसे कुछ लिखकर भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने गुस्सा लिखकर भेज दिया है। तो यहाँ पे अब मेरे को गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो इसको मैं अब सेंड करना चाहता हूँ, इसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों, मैं यहाँ से दिल वाला इमोजी भी भेज सकता हूँ। और या मान लीजिए मैं अभी इसे गुस्सा किया हूँ, तो अभी मैं दिल वाला इमोजी भेजता हूँ। देखा गाइस, मस्त ट्रिक। अब यहाँ से दोस्तों, आप इसे ये ट्रिक भी भेज सकते हैं, आप जो चाहे यहाँ से वो इमोजी भेज सकते हैं आप बड़ी आसानी से गाइस। तो गाइस, आप बड़ी आसानी से ऐसे करके इमोजी भेज सकते हैं या फिर किसी को फोटो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।